कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35% से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 67% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयला ऊर्जा के आधार के साथ साथ शक्ति का भी प्रतीक है। भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का प्रयास 1774 में रानीगंज में दो अंग्रेज समर और हिटले द्वारा किया गया था, किंतु 1843 तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1856 में तत्कालीन ईस्ट इंडियन रेलवे का निर्माण होने और 1865 में वाराकर क्षेत्र का विस्तार होने से कोयला खनन में विशेष सहायता मिली। साधारणतया लकड़ी के अंगारों को बुझाने से बच रहे जले हुए अंश को कोयला कहा जाता है। उस खनिज पदार्थ को भी कोयला कहते हैं जो संसार के अनेक स्थलों पर खानों से निकाला जाता है। पहले प्रकार के कोयले को लकड़ी का कोयला या काठ कोयला और दूसरे प्रकार के कोयले को पत्थर का कोयला या केवल कोयला कहते हैं। एक तीसरे प्रकार का भी कोयला होता है जो हड्डियों को जलाने से प्राप्त होता है, इसे हड्डी का कोयला या अस्थि कोयला कहते हैं। रासायनिक समीकरण की दृष्टि से भारत में तीन प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, भूरा कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। भूरा कोयला निकृष्ट श्रेणी का कोयला है जो जलने पर अधिक धुआं देता है। बिटुमिनस कोयला काले रंग का मध्यम श्रेणी का कोयला है, इसके जलने से धुआं कम उठता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, यह कठोर काला व चमकदार होता है और जलते समय धुआं बहुत कम निकालता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1 जनवरी 2010 तक सुरक्षित कोयले का भंडार 3,10,575 करोड़ मिलियन टन था। भारत में सर्वाधिक 98.5% कोयला दक्षिण के पठार पर गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है। भारत के कोयला उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हैं। भारत का कोयला उत्पादन में 8वां स्थान है। यह विश्व का 3% कोयला उत्पादन करता है। 2009-10 में देश में कोयले का उत्पादन 532.06 मिलियन टन था। भारत में कुल कोयला उत्पादन का 66% उद्योगों में, 5% रेलों में तथा 29% अन्य कामों में काम आता है और लगभग 1-2% निर्यात किया जाता है। भारत में अधिकांश निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है जिसमें कार्बन का अंश कम किंतु राख, वाष्प और जलीय अंश अधिक होता है। ईंधन के अतिरिक्त कोयले का उपयोग रबड़ के सामानों, विशेषतः टायर ट्यूब और जूते के निर्माण में तथा पेंट और एनिमल पॉलिश, ग्रामोफोन और फोनोग्राफ के रिकॉर्ड, कार्बन कागज, टाइपराइटर के रिबन, चमड़े, जिल्द बांधने की दफ्ती, मुद्रण की स्याही और पेंसिल के निर्माण में होता है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण खनिज कोयले के विषय में जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अलग अलग जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।